हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी बड़ी माला के साथ में और हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी, उपेंद्र यादव जी, अल्पेंद्र जी और युवा मोर्चा के साथी सियाराम यादव जी, सुनील बघेल जी, अशोक भुजिया जी, सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। सभी लोग स्वागत करें। मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं इस पवित्र अवसर पर आदरणीय हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा से निवेदन करूंगा कि वे आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भगवान जगन्नाथ जी की, भगवान जगन्नाथ जी की। आज भगवान भगवान जगन्नाथ जी की पावन धरा पर मध्य प्रदेश के जननायक और लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री, और सच में एक बात कहूं, आपको जब प्रसन्नता होगी, ऐसे मेरे बड़े भाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हमें इस चुनावी सभा के दौरान आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मेरा नामांकन भी नहीं भरा, मेरे से दो बार कहा कि भारत तू छोटा भाई है, नामांकन के दिन भी आऊंगा, नामांकन के बाद में आऊंगा, पहले ग्वालियर की धरती पर आज ही आऊंगा। इसलिए ऐसे जननायक का, बड़े भाई का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई कौशल शर्मा जी, हमारे प्रदेश भाजपा के मंत्री आदरणीय राहुल कोठारी जी, मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक आदरणीय प्रहलाद भारती जी, मेरे भाई हमारे पूर्व विधायक आदरणीय शिषपाल यादव जी, हमारे पूर्व सभापति वरिष्ठ नेता आदरणीय गंगाराम बघेल जी, और आप सबको ये खुशी होगी आज हमारे मुख्यमंत्री जी के काम से प्रभावित होके, उनके काम से प्रसन्न होके, आज बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से विधायक का जिन्होंने चुनाव लिया, लड़ा और जिनने 30,000 वोट प्राप्त किए, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के काम से प्रसन्न होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे, ऐसे भाई सुरेश बघेल जी, आप सबको निवेदन करूंगा कि उनका भी स्वागत कीजिए। और इस अवसर पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के आप सब लोगों दोनों हाथ उठाकर उनका अभिनंदन कीजिए। आज सुरेश बघेल जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और उनके कई साथियों ने यहाँ ली है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इस अवसर पर उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष आकाश भदौरिया जी, जिले के पंचायत के सदस्य भाई शिवराज यादव जी, आदरणीय एनआर सिंह जी, आदरणीय दीपक माहौर जी, और पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष जिनका नाम ऐसा है, ऐसे आदरणीय मेरे भाई मुलायम सिंह यादव जी, और हमारे सरपंच आदरणीय अशोक गुर्जर जी, आदरणीय सियाराम यादव जी, आदरणीय राजू कुशवाहा जी, आदरणीय हाकिम बाबा जी, आदरणीय हुकमचंद जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रमेश शर्मा जी, आदरणीय विनोद जाधव जी, सम्मानी मंच, और इस अवसर पर उपस्थित हमारे ग्वालियर ग्रामीण और कोलैत की मेरी माताएं बहनें सभी को मैं प्रणाम करता हूं, मेरे बुजुर्गवारों को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं।
मुख्यमंत्री जी को सुनना है और आज तीन सभा और ग्वालियर में है, इसलिए इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा, आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एमएलए का भी टिकट दिया और आप सबके आशीर्वाद से आपने मुझे एमएलए भी बनाया, एक बार नहीं दो दो बार विधायक आप सबने बनाया और मध्य प्रदेश की सरकार में बड़े भाई के साथ मुझे मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, आप सबको यह प्रसन्नता होगी कि बड़े भाई मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपको दिल की गहराइयों के साथ इस बात को भी बताना चाहूंगा, जैसे ही लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, टिकट वितरणों का काम शुरू हुआ, मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं, बड़े भाई के पास गया आदरणीय मोहन यादव जी के पास, तो उन्होंने कहा कि आपका बड़ा भाई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आप लोकसभा ग्वालियर का चुनाव लड़िए। ऐसे आदरणीय मेरे बड़े भाई मुख्यमंत्री यहाँ विराजमान है और सच्चाई के साथ कहना चाहूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, तब से लगातार पूरे मध्य प्रदेश के प्रवास पे हैं और प्रवास के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किए। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वो आज 18-18 घंटे हमारे प्रदेश की सेवा के लिए 18-18 घंटे बराबर परिश्रम कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास और योजना का जो अंबार लगा हुआ है, गरीब भाई बहनों को जो योजना का लाभ मिला है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी के यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सभी जगह विकास हो रहा है और मध्य प्रदेश की हमारी बहनों को, गरीबों को, किसानों को, झुग्गी झोंपड़ी के इंसानों को भी योजना से जोड़ने का काम हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जिस तरह से वो भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से आते हैं, उन्होंने उज्जैन में महाकाल बप्पा का कितना बढ़िया पूरा प्रांगण बनाया है, आज उज्जैन में सारी दुनिया के लोग जाते हैं। जिस तरह से इसी प्रकार से वो मध्य प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, उनके अंदर ललक है, काम करने की क्षमता है, हमारे ऐसे मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में आए हैं। मेरी आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि जो चुनाव का समय है और मैं आप सबके बीच का एक आप सबका सेवक रहा हूं, आप सबसे ये निवेदन भी करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे नेतृत्व के रूप में डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश को नेतृत्व कर रहे हैं, देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे नेतृत्व की नियत भी अच्छी है, नीति भी अच्छी है, इसलिए लगातार मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता आशीर्वाद देने का काम भारतीय जनता पार्टी को कर रही है। आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश के पास नेतृत्व क्षमतावान नेतृत्व है, आज विपक्ष के पास न कोई नेता है, न नियत है, न नीति है। आज मुझे कहते हुए इस बात की भी प्रसन्नता होती है कि जिस जगह पे भाई साहब ये कार्यक्रम है, जहाँ भगवान जगन्नाथ जी का एक भव्य मंदिर है और भगवान जगन्नाथ जी के मेला हर वर्ष यहाँ लगता है, मध्य प्रदेश की सरकार ने आपकी विशेष कृपा से भगवान जगन्नाथ जी के मेला को शासकीय मेला घोषित किया है और इस मेले के आयोजन के लिए 15 लाख रुपए हमारी मध्य प्रदेश की सरकार देती है और आपके विशेष स्नेह से हमारे ग्राम कुलेत के लिए 39 करोड़ की लागत से सीएम राज स्कूल का काम प्रारंभ हुआ है और इस क्षेत्र के लिए 18 पंचायतों के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए आपने 69 करोड़ रुपए की इस 18 पंचायतों को सौगात दी है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र में जिस तरह से राजस्व के मामलों में हमारे किसान भाई परेशान रहते थे,
कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाया करते थे, आपने नामांतरण बटांकन की प्रक्रिया को सरल करके ये सिद्ध कर दिया है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। और ऐसे ही इस क्षेत्र का एक ऐतिहासिक बहुत बड़ा तालाब, बहुत बड़ा जामफान तिगरा बांध बना हुआ है, जिससे हमारे शहर की पानी की प्यास, पानी पेयजल की व्यवस्था होती है। इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में भगवान जागेश्वर मंदिर को भी पर्यटन के रूप में सम्मिलित हुआ है। आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री यहाँ है और निश्चित रूप से हम सबको उनको सुनना है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाने से पहले, जब मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए आए, तब तक आपकी तालियां खड़े होकर बजते दौर। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को निवेदन करूंगा कि जनता को आके संबोधित करें। इससे पहले हमारे सुरेश बघेल जी का भी भारतीय जनता पार्टी में विलय कराने का आपने काम किया है। आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि जनता जनार्दन को संबोधित करें। अब मैं बलराम दादा मूंछों के लिए पहचाने जाते हैं, अब मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनकी 10 फीट की मूंछें हैं, इसलिए उनसे आप कहें तो वो मूंछ खोल के बताएंगे जनता के बीच में। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी तालियों के साथ बहुत स्वागत कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हम जनता को आप संबोधित करें, आशीर्वाद के रूप में अपना उद्बोधन दे। मानी पूछने में माइक का तार हो गया इतना लंबा, जोरदार ताली बजा मूछ वाले हो तो। दादा का नाम क्या है? बलराम, बलराम सिंह चंदेल जैसे, जोरदार ताली बजाओ। पहले तो डायलॉग चलता था मूछे हो तो नथुलाल जैसे, अब संशोधन करना पड़ेगा, मूछे हो तो बलराम जी जैसे है ना। जोरदार तालियां बजाओ। अरे मूंछों पे हाथ तो लगा दो सीएम साहब एक बार। आइए आइए बैठिए इस मंच पर विराजमान। अभी अभी गए यहाँ से हमारे जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा जी, अभी जिनने विस्तार से अपना भाषण दिया, मेरे अभिन्न मित्र सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, वर्तमान में लोकसभा के प्रत्याशी भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, जोरदार अभिनंदन करें। भारत सिंह जी का राहुल कोठार जी तो चले गए, प्रहलाद भारती जी जोरदार अभिनंदन करें, प्रहलाद जी का शिषपाल जी या पूर्व विधायक करें, जोरदार ताली बजाते रहो भाई। गंगाराम जी बघेल जोरदार अभिनंदन गंगाराम जी का, सुरेश बघेल जी जोरदार ताली बजाओ। सुरेश जी का हमारे परिवार में आए, सुरेश जी चिंता मत करो, जो आप कहोगे वैसा विकास होगा, जहां तक आप कहोगे उस क्षेत्र में सरकार लगातार आपके साथ चलेगी। जिला अध्यक्ष बीएसपी पूर्व प्रत्याशी रहे आकाश भदौरिया जी, कहाँ भदौरिया जी, जोरदार अभिनंदन आकाश जी का। शिवराज यादव जी जोरदार, हाँ शिवराज जी आओ, शिवराज भाई जोरदार अभिनंदन करो। जिला पंचायत सदस्य आनंद यादव जी जनपद सदस्य, दीपक माहौर जी, मुलायम सिंह यादव जी, अशोक गुर्जर जी, सुरेश बघेल सरपंच, ये अलग है। वाह सरपंच साहब जोरदार अभिनंदन, ताली वाली बजाओ ये थको मत। सियाराम यादव जी सरपंच, राजू कुशवाहा जी सरपंच, हुकुमचंद जी सरपंच, हाकिम सिंह जी सरपंच, और पप्पन पहलवान, जोरदार पप्पन पहलवान के लिए भी तालियां बजाओ। नाम तो इतने सारे, सबको नमस्कार कर देता हूँ एक बार, आप सब भी अभिनंदन कर दो पूरे मंच का एक साथ। हाकिम दादा यादव जोरदार ताली बजाओ, दादा क्या 20 साल के जवान जैसी ऊर्जा के साथ जनता की सेवा करने आए हैं, जोरदार ताली बजाओ। ग्वालियर का ये लोकसभा क्षेत्र, और यहाँ आने पे कितना जोरदार रहस्य, भगवान हमारे यहाँ पे क्या गजब है। बोले भगवान जगन्नाथ की, जगन्नाथ के भाग जगत पसारे, क्या आनंद होता है।
और कैसे कैसे रहस्य। हमारे यहाँ बाबा महाकाल की नगरी, वहां एक काल भैरव बाबा भी है। काल भैरव बाबा भारत माता की जय, कितनी भी पिलाओ, बोतलें खाली हो जाए, कलाली खाली हो जाए, पता ही नहीं कहां जाती। सब भगवान अपने आप, सब अपने भारत माता की जय। और मुझे मालूम पड़ा उससे बड़ा रहस्य यहां भी है। हर सोमवार के दिन भगवान के सामने मटकी में प्रसाद रखो, अपने आप चार हिस्से हो जाते, अपने आप चार हिस्से। बोला जगन्नाथ स्वामी की। ये संकेत दे रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। चारों दिशाओं से भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति दुनिया में दिग्दिगंत आगे बढ़ती जाए, ये भगवान का आशीर्वाद है। प्रसाद के माध्यम से सबके लिए आशीर्वाद। जोरदार ताली बजाओ जगन्नाथ जी भगवान के। और भारत सिंह जी कह रहे थे कि भारत सिंह जी आपका चुनाव मेरा चुनाव है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं ग्वालियर से, ये पक्का है। जो अपने सबके बीच में से ये भारत सिंह जी, अब ये हमारे लिए चुनाव आपका नहीं रहेगा, ये हमारे लिए हुआ। आप किसी और क्षेत्र में जाना, यहाँ के लोगों के कुलेत की जनता के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ। बोलो तैयार हो गए नहीं सब लोग, जोरदार ताली बजाओ ये। और इस बात के लिए भी क्या, आज अपन यहाँ चुनाव की बात करने जरूर आए, लेकिन चुनाव की बात करने में यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर आपने पिछले बार इसी विधानसभा के अंदर हमारी सरकार जो बनवाई, उस सरकार के समय मोदी जी के लिए नारा लगाया था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में, जोर से बोलो मोदी के मन में, क्या मोदी के मन में एमपी बिठाया। एक तरफ से लगा करके दूसरी तरफ कांग्रेस वाले ऐसे चक्कर खा के गिरे के अभी तक उठे ही नहीं है। वो इतने वोट से जिताया, इतने वोट से जिताया, 163 सीट से। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, मध्यप्रदेश की धरती को प्रणाम करता हूं। आपके सबके विश्वास के कारण जो भाजपा की सरकार बनी, और भाजपा की सरकार आपने बनाई, आपके विश्वास में बनी, मोदी जी के आह्वान पे बनी, मैं आपके विश्वास के लिए लगभग अब हमारा 3.5 महीने से ऊपर का समय, लेकिन ये 3.5-4 महीने में जो हमने काम किए, काम तो 150 से ज्यादा निर्णय किए हैं, लेकिन कुछ निर्णय में बात करना चाहूंगा, कुछ निर्णय के बारे में बात बताना चाहूंगा। भाजपा की सरकार बनती तो क्या करती है, भाजपा की सरकार बनती है, हमारी सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद पहली बार हमने अपनी कैबिनेट में निर्णय लिया कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेज मिलना चाहिए, एक्सीलेंस कॉलेज मिलना चाहिए। ये युवाओं का देश, दुनिया के सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं है तो अपने इस मध्य प्रदेश और देश के अंदर है। जोरदार ताली बजाओ युवाओं के लिए। हमने कहा हर जिले के अंदर एक एक्सीलेंस कॉलेज खुलेगा, और एक्सीलेंस कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए कृषि से लगा करके सभी प्रकार की शिक्षा मिलेगी। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हमारा बदलता दौर का भारत है, और बदलते दौर के भारत में मध्यप्रदेश के अंदर केवल कागज की डिग्री ले लो, ये तो कोई बात नहीं हुई। कागज की डिग्री ले लेकर के निकम्मे बनते हैं, डिग्री लेकर के उनका जीवन अच्छा होना चाहिए। वो देश की सेवा करे, प्रदेश की सेवा करे, अपने माँ बाप की सेवा करे, परिवार वालों को लेके चले, और उनके माध्यम से उनका भी विकास हो, उनके परिवार का विकास हो, और वह आगे बढ़े, ये होना चाहिए। ये हमने निर्णय किया, इसी आधार पर कई सारे निर्णय किए। समय की कमी है, ये किसानी का क्षेत्र है, मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर देख रहा था, नहरें अपना काम कर रही, खेती में किसान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खेती किसानी के बलबूते पर इनकी तो दुनिया ही अपने खेत से शुरू होती है और खेत पे खत्म होती है। क्या जवान सीना ठोक करके दुश्मनों के बीच जवान अपने देश की रक्षा करते हैं, और जवान सहित पूरे देश में कोई भूखा नहीं मरे, किसान उनके पेट की रक्षा करते हैं। ये सारे किसानों को प्रणाम। हमारे देश के किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने जो मेहनत की है, उनका मान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको इज्जत होना चाहिए। ये इज्जत देने का काम अगर किसी ने किया है,
पहली बार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ, जोरदार अभिनंदन करो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। कोई सोच सकता था क्या पहले किसान को अपने खाते में पैसा आ जाए? 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कहने के लिए वो कहते गरीब किसान महिला नारे लगाते थे, हमारी सरकार बनाओ हमारी सरकार बनाओ। उनकी सरकारें बनाई लेकिन कभी भी किसान का भला करने का मौका आया कांग्रेस वाले ने लगातार निगाह मोड़ी, वो छोड़ के भग गए। उसका परिणाम क्या रहा? जोरदार ताली बजाओ, भारत ना अटल बिहारी वाजपेयी के लिए है। गांव के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री सड़क दे करके गांव के इंसान भी इंसान है, गांव के किसान को भी सड़क चाहिए, ये काम किसी ने किया है तो भारत माता के सपूत हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और किसान क्रेडिट कार्ड बिना ब्याज का पैसा ये देने का भी काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमें इस बात की प्रसन्नता। आप अंदाज लगा लो, अब नरेंद्र मोदी जी और आगे ले गए किसानों के मान सम्मान के लिए, आपके खाते में सीधे सीधे आप इतने जने बैठे, कोई एक भी बताओ कि जिनके बैंक में खाते हैं और जिनके नाम पे जमीन है उनके पैसे सीधे खाते में आते कि नहीं आते हैं? तो ताली बजा के बताओ, ये हमारी सरकार है। जिनका हक का पैसा उनको देना, और पैसे का सवाल नहीं है, सवाल सम्मान का है, किसानों का मान सम्मान का सवाल है। हमारे ऊपर एक रुपया भी कोई न्योछावर करे तो लगता है मान सम्मान होता है, ये मान सम्मान का सवाल है। और सरकार तो 1000 रुपया महीना न्योछावर करती है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी हो या केंद्र सरकार मोदी जी की हो, आते के नहीं आते पैसे आपके खाते में? जोरदार तालियां बजाओ, ये मान सम्मान अगर किसी ने दिया तो भाजपा की सरकार ने दिया, हमें इस बात का आनंद है। लेकिन हमको कष्ट भी होता है, हमने ये देखा, मैं भी किसान परिवार से निकला हूँ, मजदूरी में मेरे पिताजी भी मिल में मजदूरी करते थे, मुझे आपका दर्द मालूम है। जैसे प्रधानमंत्री ने एक रेलवे स्टेशन से अपनी जिंदगी चालू की, गरीब परिवार से निकल करके गरीबी क्या होती है ये कष्ट उनने भी देखा। उसका परिणाम क्या आया कि आज आपका मान सम्मान देते हुए आपके खाते में पैसा आया। हमने भी निर्णय किया अपनी खेती किसानी में जमीन खरीदे या बेचे, बंटवारा हो किसी का नाम चढ़े, अभी पटवारी को पटाते फिरो, पटवारी साहब नाम चढ़ा दो, पटवारी साहब नाम चढ़ा दो, वो नाम ही चढ़ाता है, वो अपना बड़ा अपना मुंह करता है, इधर की तारीख दे दे उधर की तारीख के मिलता ही नहीं है। हमने कहा अगर ऐसा मामला है तो हमारी सरकार लाचार नहीं है, हमने संशोधन कर दिया, अब कहीं हाथ जोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, इधर रजिस्ट्री कराओ, नामांतरण तो अपने आप पटवारी को करना पड़ेगा, ये हमारी सरकार ने किया। ये सारे भ्रष्टाचार के अड्डे बंद करेंगे, ये फालतू का नाटक कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे अपने लोगों के लिए हमारे किसानों की परेशानी क्यों होना चाहिए? और इतना ही नहीं, ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा जिनका खुद का एक अपना घर नहीं है लेकिन उन्होंने कहा ये माताएं बहने बैठी है, आप बताओ गरीब आदमी का मकान पक्का, वो भी उसके घर में पैसे पहुंचा करके, पहली बार शुरू हुआ कि नहीं हुआ? अपने गांव में हो या शहर में गरीबों को पक्के मकान देने का सिलसिला चालू हुआ कि नहीं हुआ? जोरदार तालियां बजाओ, ये हमारी सरकार ने शुरू किया। और चिंता मत करना, जितने बच्चे हो सबको देने की गारंटी भी हमारी सरकार लेती है, कोई का मकान कच्चा नहीं रहेगा, हर एक व्यक्ति का मकान पक्का बनेगा। और हमारी बहन बेटी बैठी है, इन बहन बेटी के लिए तो हमारे यहाँ तो अपने देश को भी माता माना, पृथ्वी को भी माता माना, हम तो मातृ संस्कृति को नमस्कार करते हैं। साल में 2 बार नवरात्रि आती है, कल भी नवरात्रि आएगी, हमारे लिए माता बहनों को तो सदैव आदरणीय माना है, देवी दुर्गा माना, हम तो इस मामले में बहुत आगे चलते हैं। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना का भी पैसा आपके खाते में बराबर आता रहेगा, कोई योजना बंद नहीं होगी, ये आपका अपना अधिकार। बहनों के लिए पैसा भेज रहे हैं, कांग्रेस ही उनके साथ छाते पे सांप घूम रहा है, अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे, अरे पैसा देना बंद नहीं करेंगे, तुम्हारी पार्टी बंद कर देंगे, जनता तुमको वोट देना बंद कर देगी। तुमने झूठ बोल बोल के सरकारें बनाई, तुमने बहुत बार ऊंचा नीचा बोला लेकिन एक कोड़ी का काम अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम्हारी दुर्दशा हुई, तुम्हारी हालत यह हुई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है।
करना चाहता था, लेकिन हवाई जहाज के उड़ने का टाइम भी किनारे आ रहा। बात लंबी करने के बजाय ऐसा लग रहा कि मैं बात छोटी में करूं। अपने बीच में बहुत सारी योजना हमने की। जोरदार ताली बजा सुरेश बघेल जी के लिए। सुरेश भाई आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ खड़े रहो। जोरदार ताली बजा। आइए पूरा बघेल समाज आज अजब सिंह कुशवाहा जी के लिए जोरदार ताली बजा, वो भी हमारी भाजपा में आ गए। और जब अपने बीच में अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं, सच्चे लोग जुड़ते जा रहे हैं, और कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेताओं को सूझ नहीं पड़ रही उनको करना क्या चाहिए, उनको खुद को समझ नहीं आ रही। वो ऐसी एक फुस्सी बम को लेके चले जा रहा जिसको बत्ती में बत्ती जलाया जा रहा, वो फटता ही नहीं, उसका अधिकार ही नहीं दिखता है। वो राहुल गांधी को लिए लिए रोते रहते हैं, 10 साल हो गए, ये 15वां साल चालू हो जाएगा। वो जहां जाता है वहां कांग्रेस सांप हो जाती है। वो आगे आगे न्याय यात्रा निकलते, पीछे कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकलती है। जो देखो जो पार्टी छोड़ते, अब तुम्हारी पार्टी पे तुम्हारे लोगों का भरोसा नहीं तो हम क्या करें। कांग्रेस की ऐसी हालत कर दी कि 2013 तक जो पार्टी पूरे देश पे राज कर रही थी वो 115 पे 19 में 14 में रह गई थी 115। और ऐसी हालत हुई बाद में कि पिछली बार केवल एक बस की सवारी रह गई, बस में आए इतने ही बचे थे, गए बार 2019। और आपकी बार तो टेम्पो में आएंगे, टेम्पो में इतने बचेंगे नहीं कांग्रेस के लोग। ऐसी इनकी हालत हो, जो कर्म ही ऐसे, हम क्या करें। आपके कर्म हुए तो करेंगे। जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है आज, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि क्या गली क्या मोहल्ला क्या गांव क्या शहर, हर जगह हर स्थान पे हर एक व्यक्ति ने संकल्प कर लिया, पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हुआ है। कल जबलपुर की धरती पे यशस्वी प्रधानमंत्री जब आए, कई भाषण नहीं दिया उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला, लेकिन कोई को बुलाने भी नहीं गए, पर पूरा जबलपुर उमड़ पड़ा, टूट पड़ा, कोई जगह खाली नहीं रही, कोई दुकान कोई मकान कोई होटला कोई छत और तोड़ सारे झाड़ पेड़ और बिजली के खंभे भी लोग चढ़े रहे थे। कहां कहां मोदी जी के लिए लोग कैसे लालायित है, और होना भी चाहिए। इस देश का मान बढ़ाने के लिए, इस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, गरीब आदमी के जीवन में मुस्कान लाने के लिए, माता बहनों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, जो उनने काम किया, कौन सा काम कम किया, इधर मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया और उधर केंद्र सरकार ने काम किया। पहले हमने आपको धन्यवाद दिया हमारी सरकार बनाने के लिए, अब आपको काम करना मोदी जी के लिए, फिर एक बार तो तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। पहली बार में दुश्मनों के दांत खट्टे किए, पाकिस्तान को ठिकाने लगाया, सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक सारी आतंकवादी घटना बंद हुई। यह पहला वोट इस बात के लिए था। दूसरा वोट अयोध्या में भगवान राम की जय जयकार के लिए था। बोलो जय जय श्री राम। क्या आनंद आया है उन 22 जनवरी को, कितना मजा आया। हमारे प्रभु राम 17 लाख साल से हर एक कोई सपना देखता है, देवता में देवता जय जय श्री राम, लेकिन गोपाल कृष्ण का मुस्कुराना बाकी है। ये गोपाल कृष्ण भगवान की अभी पहली झांकी थी, दूसरी बाकी है। हम सब मिलके ये तीसरी बार वोट देंगे तो भारत का नाम दुनिया में जय जयकार के लिए जाएगा। भारत अपनी ताकत से दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना करेगा, अपनी क्षमता से योग्यता से अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएगा। बोलो आप सब।